लोकसभा का चुनाव चलते जो कोई घटना हुई है और फिर पार्टी के माध्यम से भी काफ़ी उसमें चहल पहल हुई, तो मैं उसी समय मैंने जो निर्णय लिया था और मैंने कैंपेन भी नहीं इसलिए पार्टी का किया, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं पार्टी आला कमान के बारे में तो मेरे मन में कभी संदेह नहीं है, उन्होंने मुझे काफ़ी मुझे विपक्ष का नेता करके मुझे मौका दिया था, निश्चित तो मैंने काफ़ी अच्छा काम करने की मैंने कोशिश की, लेकिन जो हालात बनी है उसके चलते आज मैंने मेरा विधानसभा सदस्य का इस्तीफा माननीय विधानसभा अध्यक्ष को मेरा सौंप दिया है। लेकिन अभी आगे की सोचना है। आज पूरी राज्य में जो सूखे की स्थिति है इतनी गंभीर होती जा रही है, उसमें लोगों को कैसी हम राहत दें, उसको लोगों को कैसी मदद करें, उसको अभी उसको उसमें ज़्यादा मैं समझता हूँ काम करने की आवश्यकता है। सर, आपने कहा कि जल्द ही और भी विधायक हैं जो जो टच में है बीजेपी के, कितने लोग हैं जो बीजेपी के टच में, क्या वजह है सर जो कांग्रेस के स्टेट नेताओं से नाराजगी, इनका काम करने का तरीका गलत है, इसके लिए जो राज्य के जितने नेता हैं इन्होंने कांग्रेस को बर्बाद करने का काम किया है, इसलिए हमने यह निर्णय लिया। सर, आपको कांग्रेस से पहले ही कहा था कि कांग्रेस से निकाल दिया था उन्होंने, क्या लेकिन आपने आधिकारिक तौर पे आज अपना इस्तीफा सबमिट कर दिया है अध्यक्ष जी को? आज कोई मुझे करने की जरूरत नहीं है, हम सब 8 से 10 लोग फैसला लेंगे, विखे पाटिल साहब का निर्णय अंतिम निर्णय होगा।